तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दिक्कत तो जी बहुत आडानी है, पानी पीने के लिए आज पानी गांव से लेंगे। अब दिक्कत तो प्रॉब्लम तो बहुत है, पर क्या बताएं, किसको कहें, कौन है सुनने वाला? रोने वाले तो हम हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं कुछ नहीं, यहाँ कोई ना पानी है ना कोई। नमस्कार, सिरसा तेज वेब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रमोद कुमार और आज मैं आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। चूंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कह रहे हैं कि अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है, इसी को लेकर के हम आज ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे हैं राजनीतिक गांव चौटाला में। और हम आपको ये जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये चौटाला माइनर है। 4 मई को इसमें पानी आ गया था, लेकिन यहाँ पानी अभी इस अंतिम छोर पे नहीं पहुंचा है। तमाम जो जानकारी के लिए हमारे साथ आप देख रहे हैं कि किसान भी मौजूद हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस सपोर्ट पे हम खड़े हैं उससे करीब आधा किलोमीटर दूर राजस्थान का जो बॉर्डर लगता है, खास करके संगरिया का इलाका आगे पड़ता है। ये चौटाला गाँव का इलाका है अंतिम छोर पर। चौटाला गाँव के किसान हैं जो काफ़ी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि ये जो भूमि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बिन पानी के बंजर होती जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर अंतिम छोर पे पानी पहुंच जाए तो किसान समृद्ध हो सकता है। और लगातार किसान मांग भी कर रहे हैं कि अंतिम टेल तक पानी इनको पहुँचे, लेकिन पानी मिल नहीं रहा। 4 मई को पानी आया था। ये भाखड़ा मेन ब्रांच से चौटाला माइनर निकलती है और पानी यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। काफ़ी किसान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और इस टेल पे पड़ने वाले जो किसान हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं। सर क्या नाम आपका? नाथर सिंह जी। तो आप यहीं, आपकी ज़मीन पड़ती है, कितने एकड़ ज़मीन पड़ती है? 80 किले जी। 80 किले ज़मीन पड़ती है, तो बड़े ज़मींदार हैं आप। हाँ जी। तो टेल पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है किसानों को? पानी पीछे से आ ही नहीं रहा जी। पानी आता है तो पीछे पर रह जाता कि पानी पूरा नहीं आता। हमारा एक फुट स्थाई पानी है, हमारे एक नौ पानी दे रहे हैं, एक नौ पानी हमारे पहुँच नहीं रहा। आपका क्या नाम है जी? दयाराम। तो आपकी जमीन भी इसी इलाके में? हाँ जी, टेल चौटाला माइनर के अंतिम छोर 820 टेल पर पड़ती है जी जमीन हमारी। एक तो हमारी टेल है जी, दो इससे पीछे आउटलेट है जी, तीन पर जब 4 मई को पानी इस नहर के अंदर छोड़ा है जी, तो हमने बार बार एक्शन साहब को, जेई साहब को, एसडीओ साहब को बार बार विनती की है, भी आप अगर सिंचाई का पानी नहीं दे सकते तो हमारे को 300 डाणियाँ हैं जिन तीन आउटलेट पे, और राजस्थान के संगरिया से पानी लेना पड़ता है जी, वो वाटर वर्क्स वाले भरने नहीं देते पानी जी, और पशुओं के लिए भी पानी चाहिए, आदमियों के लिए भी चाहिए जी, तो 1000 रुपये 1200 रुपये टैंकर पानी मोल लेना पड़ रहा है जी। सरकार का दावा है कि हम अंतिम छोर पे पानी पहुंचा रहे हैं, हर टेल पे पानी पहुंचा रहे हैं, उनका बिल्कुल ये फलाप है जी खट्टर सरकार का, भी जो हम पानी पहुंचा रहे हैं। अब आप खुद ही देख रहे हो जी, हम तो आए जब भी पानी आता है एजिटेशन करना पड़ता है, उसके बाद में कोई एक हफ्ता या दो हफ्ता चलती है जी नहर मुश्किल से। और चौटाला गाँव जो है वो इसका दुर्भाग्य मानो, ये तीनों जो इसकी नहरें हैं जी उसके अंतिम छोर पे ही ज़्यादा रकबा पड़ता है जी, मतलब तीन टेली पड़ती है चौटाला गांव, तीनों की स्थिति यही है जी। यही है। आपका क्या नाम है जी? दीपचंद जी। तो आप ही चौटाला गांव के रहने? चौटाला गांव का सर। तो क्या दिक्कत आ रही है, पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, टेक्निकल कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? पानी पीछे से सर कम छोड़ा जा रहा है, इसमें पूरा छोड़ा नहीं जा रहा, और पीछे से ये ना तो इसकी पूरी सफाई हो रही, और टेल पे पानी आ रहा है दो हिस्से तीन हिस्से कभी कभी, और पीने के पानी की बहुत समस्या है। आपका क्या नाम है जी? भूप सिंह जी। अच्छा भूप सिंह। तो ये पानी जब इसमें पानी आता है पीछे से तो कितने दिन चलता है ये, कितनी क्षमता कितनी इसकी? थोड़ा ही आता है जी इसमें तो पानी, तो बहुत ही दो तीन अंशा पानी आता है वैसे। पानी तो सिंचाई कैसे करते हैं आप? सिंचाई होती नहीं है जी, मोटरों से हो रही है, पीने का पानी नहीं आ रहा जी। मनी राम नाम है। कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल हो गई। तो पहले भी यही हालात थे इसमें नहर में? अब जी ज्यादा हो गया है, अब ज्यादा हो गया, पहले की ठीक है, अब बहुत ज्यादा हो गया, अब तो की आवे ही को नहीं, पानी नहीं आता, पानी आवे ही। सरकार कह रही है अंतिम छोर पे पानी दे रहे हैं, अंतिम टेल तक पानी, और देख लो जी सामने ही है। नहीं सरकार पानी दे रही है, सरकार से पानी दे रही है, सामने ही सरकार पानी दे रही है, रजिया को कुछ को दे रही है, हमारे को पानी नहीं दे रही, पानी में आवी गोंदी कि मैं तो देखो नहीं आडा नहीं रही मारी, तो अठे मुड गए मैं बैठे दिन गातन देखा तो मां तो जरो लादे का 4 सा का 3 सा का 5 सा पानी पानी। आपका क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम बलबीर है जी। बलबीर है जी। तो आप
चौटाला गांव के रहने वाले, आपकी जमीन भी यहीं पड़ती है, तो आप खेती कैसे पकाते हैं, फसल कैसे? घनी मुश्किल है जी, अब ट्यूबवेल करा के करा। ट्यूबवेल का नीचे का पानी ठीक है क्या? कौन जी पानी है, खार है जी, कौन है क्या? खार है, खार है उगे कोनी। अच्छा, नरमो बोवा ना वो कोनी उगे नहीं। और जी 7 दिन हो गया आज, 3000 रुपया बीज का लगे, 7 दिन हो गया, अब कम कम 1000 रुपया बीज हमने बुवाई का लग गया, 4000 रुपया ये लग गया, वो बड़े बड़े बीज बड़े बड़े उगे कोनी, मर जाता है, उगता नहीं है वो, मर जाता है। क्या नाम है जी भाजी? संतलाल जी। संतलाल, क्या मांग करते हैं सरकार से? पानी की मांग है जी, मार दो पानी फुल होना चाहिए, मान दो बस, तेल पे पानी मिलना चाहिए। इसमें जो जी 82 क्यूसिक है जी, 82 क्यूसिक, हाँ जी, 57 क्यूसिक थी जी, उसके बाद में बढ़ाकर 82 क्यूसिक इसकी क्षमता करी गई जुटाला जवा की। तो अब पानी चार, आप बता रहे हैं 4 मई को पानी आया लेकिन पानी पहुंच नहीं पा रहा है, तो इसमें ये भी दिक्कत है कि कहीं इसको मतलब जो है बेड इसका ऊंचा नीचा कहीं इसका लेवल भी ऊंचा नीचा है जी। दूसरी जो जेएन साहब से बार बार बोला भी आप इसकी सफाई करवाओ, तो 1 महीना नहर बंद रही है जी, राजस्थान गवर्नमेंट को आप देख लो, इंदिरा गांधी नहर पे जी कितना किस किसानों के लिए कितनी चिंतित है, हमारे वाले तो ये सफाई नहीं करा रहे जी, कह रहे हैं हम टेलों पर पानी पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे जी, टेलों पर पानी नहीं पहुंचा। आपका क्या नाम है जी? विनोद कुमार जी। तो आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ जी। करते हो? प्रॉब्लम ये है जी, अब बिजाई का टाइम है जी, 4th और 5वां महीना बिजाई का होता है जी, इस समय पानी नहीं आया तो हम बीजेंगे क्या? सारा बंदर खेत पड़ा है जी, ना पीने को पानी है ना बिजाई का पानी है, इसलिए अब मैं पर ही है जी सारा, मैं आएगा तो गुआरा बीज सकते हैं, नरमा तो बीज। पानी भी भूमिगत पानी कैसे है? खारा है, बिल्कुल खारा है जी, हाँ बिल्कुल। उसमें ये फसल नहीं नहीं जी उगती नहीं, बिल्कुल नहीं उगती जी। टेल हूँ कौन जी? टेल भी घूम रेडी है, 2 मोगा भी पीछे, हम मोगे पर है जी। जो ये टेल है जी 80820 चौटाला माइनर की, इससे पीछे 2 आउटलेट है जी, 1 77 वाला और 1 78 वाला, उसी पर पानी नहीं है जी, उसके ये किसान है जिनसे पूछो भी, 2-3 मोगे है जी, 3 पर 300 डाणियां है जी, अब खारा पानी लाते हैं जी, वहाँ मिक्स पानी मिलता है राजस्थान में, आप खुद को वहाँ अब नहीं रही है जी। अच्छा, संग्रह पानी पीने का जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? अतुल कुमार। अतुल कुमार, तो आप यही डाणी आपकी? हाँ जी, यही गाँव में रहते हैं, यही है, यही नानी है। तो पानी नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? सरकार कहती है कि हम अंतिम छोर पे पानी पहुंचा रहे हैं। नहीं नहीं, सरकार की बिल्कुल ये फ्लॉप है जी पॉलिसी, टेल पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, किसान दुखी हैं। हाँ जी, किसान दुखी है, बिजाई नहीं हो पा रही है। तो फिर उत्पादन क्या रहता है यहाँ, जैसे फसल आप बीजते हैं, जैसे नरमा का उत्पादन है, गेहूं तो क्या रहेगा जी, खाली रहेगी जमीनें, बंजर रहेगी, बारिश होगी तो होगा जी। केसीसी नहीं भर पा रहे जी। अच्छा, सरकार है वो लोन में, हाँ वो नहीं भर पा रहे यहाँ पे, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बच्चों की फीस भी नहीं भरी जा रही स्कूलों में। अच्छा, यही प्रॉब्लम आई पड़ी है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। आज हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई गांव चौटाला की, और ये चौटाला माइनर है जिसमें यहाँ किसान कह रहे हैं कि सरकार बेशक ये दावा कर रही है कि हम अंतिम छोर पर पानी दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे सच्चाई कुछ और है, पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, और हालात ये पहुँच गई है कि किसान कह रहे हैं कि उनकी जो भूमि है वो लगातार बंजर होती जा रही है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।